हम यहाँ पर आगे देख रहे थे कि हमने लास्ट क्लास में प्रोजेक्ट के वर्क स्पेस के बारे में जाना था, प्रोजेक्ट के बारे में जाना और यहाँ पर फाइल्स के बारे में जाना। तो ये प्रोजेक्ट में हमने देखा था डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, सॉरी MFC एप्लीकेशन विजार्ड और विंडोज 32 कंसोल एप्लीकेशन। तो इन दोनों के बारे में हमने जाना और इसके अलावा हम डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हैं जो DLL कहलाता है। एक्टिव कनेक्ट हो रहा है बार बार। इस तरीके से हम देख पा रहे थे कि हमने एक्टिव एक्स कंट्रोल भी जो है वो यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो हम एप्लीकेशन विजार्ड का यूज करेंगे यहाँ पर। एप्लीकेशन विजार्ड यूज करने पर हमको यहाँ पर बहुत सारे एडिशनल ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं, जिसपे हम सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस और डायलॉग बेस्ड एप्लीकेशंस तैयार कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस तैयार किया था, अब हम सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस के बारे में को भी तैयार करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर फिनिश करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर तीन तरीके के व्यू दिखाई देंगे। इन व्यूज को ही आज देखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि विजुअल C++ के एडिटर में तीन प्रकार के व्यू होते हैं, क्लास व्यू, रिसोर्स व्यू और फाइल व्यू। इन तीनों में क्या अंतर होता है और तीनों किस लिए यूज होते हैं, ये हमको देखना है। अभी फिलहाल मैंने अपना एक प्रोजेक्ट तैयार किया है और इसका नाम था हमारा कॉल। जब हम इसको सेव ऑल करेंगे तो सारा का सारा पूरा डिटेल जो है वो सेव हो जाएगा। इस डिटेल को हम देख सकते हैं अपने कंप्यूटर के F ड्राइव में VCPP। यहाँ पर आपको कॉल नाम से एक फोल्डर दिखेगा, ये आपको तैयार किया गया है उसके लिए प्रोजेक्ट। डिबग फोल्डर फिलहाल अभी खाली है और ये रिसोर्स का फोल्डर है। इसमें इसका आइकन्स, कुछ आइकन्स और उसके कर्सर्स और उसके मेन्यूज का, ये सारा जो आइकन्स जो दिख रहा है वो आपको यहाँ पर रिसोर्स के रूप में मिलेगा। नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, पता नहीं क्या हो गया। यहाँ पर रिसोर्स हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पर जो व्यूज हम देख पा रहे हैं इन्हीं को आज समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्लास व्यू के बारे में। तो जो क्लास व्यू है इसमें हमको क्लासेस को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पहले से हमारी बनी बनाई कुछ क्लासेस हैं, जैसे डायलॉग बॉक्स, कॉल, ऐप और ये सारे क्लासेस पहले से बनी हुई है। इसके अलावा मेन फ्रेम की क्लास बनी हुई है। इस क्लास में कुछ फंक्शंस बने हुए हैं, मेंबर फंक्शंस, कुछ डिस्ट्रक्टर बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये डिस्ट्रक्टर है। ऐसे ही हर क्लास में आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा वेरिएबल्स, पब्लिक प्राइवेट वेरिएबल्स जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो क्लास भी है उसमें क्लास के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और उस पर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। जैसे हमको इस फंक्शन पे जाना है तो इस पर क्लिक किए, देखिए ये फंक्शन यहाँ पर आ गया और ओपन भी हो गया। प्लस यहाँ पर बना बनाया उसका जो कोड है वो भी दिख रहा है। इसको आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना कोड जो है वो ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? ये वाला। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना कोड ऐड कर सकते हैं और ये क्लास व्यू को यूज कर सकते हैं। अगला है रिसोर्स व्यू। रिसोर्स व्यू में आपके जितने भी रिसोर्सेस होते हैं वो सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे आइकन्स, आपने जो जो आइकन्स यूज कर रखे हैं, इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका आइकन है। प्लस इसको एडिट करने की सुविधा भी मिलेगी आपको, इसको आप एडिट कर सकते हैं। जैसे आइकन को मैंने चेंज कर दिया तो ये आइकन का रिसोर्स जो है वो चेंज हो गया, ये देखिए। इसी तरीके से मेन फ्रेम का जो आइकन है जिसमें MFC लिखा है, इस आइकन को भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यूज करके, पेंट का यूज करके बनाना पड़ेगा या फिर लोड करना पड़ेगा कोई पिक्चर को, कस्टम पिक्चर को। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये M जो है उसको हटा देते हैं हम, मैंने M को रिमूव कर दिया, सिर्फ FC लिखा हुआ है, या इसको भी हटा देते हैं। कुछ लिखा नहीं रहेगा, केवल ब्लैक ब्लैक जो है वो डाइस जो है वो दिखाई देगा। तो मैंने इनको एडिट कर लिया। इस तरीके से आप अपने हिसाब से कुछ भी एडिट कर सकते हो।
रिसोर्स व्यू जो है हमारे प्रोजेक्ट में एडिशनल जो भी रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस कई टाइप के, जैसे आइकन्स हैं, डायलॉग बॉक्स है, आप यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स को भी एडिट कर सकते हो। ये विजुअल बेसिक के सेम कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो आइकन है ये चेंज हो गया है, यहाँ पर MFC नहीं लिखा हुआ है बल्कि ब्लैक ब्लैक बॉक्स दिख रहे हैं। क्लियर है? ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। मेन्यूज है, आप मेन्यूज को भी एडिट कर सकते हो। जैसे आपको कुछ मेन्यू दिख रहा है यहाँ पर, ये फाइल मेन्यू है, न्यू ओपन ऐसा दिख रहा है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। जैसे ये सेव की जगह पे मुझे कुछ और